हेलो दोस्तों, फिर से मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, पिछली वीडियो में हमने ब्लीच जो एनिमी आ रही है 2022 में अक्टूबर में, उसका ट्रेलर रिएक्शन किया था। तो इस बार भी जो है हम ट्रेलर रिएक्शन करेंगे, और ये ट्रेलर रिएक्शन बहुत ही खास है। मतलब ये अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2, जी हाँ, फाइनल सीजन के आखिरी एपिसोड्स के ट्रेलर है ये। मतलब एपिसोड 76 से शुरू होने वाला है और ये फाइनल सीजन होने वाला, और यहाँ पर अटैक ऑन टाइटन खत्म होगा और इसका ट्रेलर आ चुका है। तो हम उसका जो है वो ट्रेलर रिएक्शन करते हैं। तो बिना रुके हम ट्रेलर रिएक्शन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाजिमे इसायामा एरे, ओरे वा मू ओवारी नी शिताई, नाज़े आगाकु お前は何のために戦っている？何のために？俺がこの世に生まれたからだ。始祖の巨人と王家の血を引く巨人が揃った。エレンとジークを接触させてはなりません。手を貸すということは、安楽死計画を実現させるということだぞ。歴史が変わる瞬間はもう間もなくです。ミカサはどうしたい？エレンを助けたい。悪魔なんていなかった。この島に人がいるだけ。俺たちはただ進むだけだよな。来い、エレン。俺をここまで導いたのはお前なのか。俺がこの世を終わらせてやる。俺に力を貸せ。もういい、これ以上苦しまなくていい。俺は王家の血を引く者だ。進み続けるんだ、死んでも死んだ後も。俺は寝た時から、生まれた時からまだ俺のままだ。मतलब दोस्तों, अभी ये ट्रेलर रिएक्शन मैंने किया है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। अभी फाइनल सीजन में अभी क्या होने वाला है, ये एपिसोड 76 से शुरू होगा। और इमेजिन करिए, ये हाजिमे इसायामा की जर्नी है, जहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, ये अपना जो अटैक ऑन टाइटन का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे पब्लिशर्स के पास लेके गए थे और सभी ने ना इसका मजाक उड़ाया था, इसको जो है इग्नोर किया था। मतलब कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता था उनको। मतलब सब कुछ रेडी था और मांगा भी उनका आधा हो चुका था, पैनल भी रेडी था, कवर आर्ट भी वगैरह सब रेडी था, लेकिन कोई पब्लिशर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, मतलब जिद होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए। उन्होंने जिद दिखाई अपनी और फाइनली ये करके दिखाया। एंड ही इज टूडे वन ऑफ दी टॉप मांगा आर्टिस्ट। मतलब इमेजिन करिए, उनका एक इंटरव्यू भी है जहाँ पे वो मांगा को बहुत ही महत्व देते हैं एनिमी के पे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखा जाए तो जो अटैक ऑन टाइटन के ऑथर है हाजिमे इसायामा, उनसे एक चीज सीखने मिलती है कि नेवर गिव अप। हाँ, मतलब आपको जो चीज पसंद है, जिसमें आपका टैलेंट है, आप उसमें ही ग्रो करना चाहते हो, उस चीज के लिए आप 100% लगा दो, ओके, तो उसमें आप ग्रो करोगे। मतलब क्या है, कठिनाइयां आएंगी, मतलब चीजें काम नहीं करेंगी, स्टार्टिंग में इश्यूज होंगे। मतलब हर एक जो स्टेप होता है वो स्टेपिंग स्टोन होता है आपकी सक्सेस के लिए। तो धीरे धीरे आप उसमें बिलीव करोगे ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज के खुद से प्यार करो। आप जो करते हो, जो अच्छी चीज है, जिसमें आपका टैलेंट है, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, 9 से 6 का नौकरी हो, या जिसका हॉबी हो, किसी भी फील्ड में हो, उसमें अगर आप 100% दे दोगे, ओके, तो आप सक्सेस जरूर अचीव करोगे। जी हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मुश्किलें आएंगी, जैसे हाजिमे इसायामा जी के साथ हुआ था, वैसे आपके लाइफ में भी आएंगी, लेकिन गिव अप नहीं करना। मतलब ऐसे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आप अकेले पड़ जाओगे, जैसे हाजिमे इसायामा इनके साथ भी हुआ था। मतलब कोई भी पब्लिशर ना ही पब्लिश करने के लिए रेडी था, तो उन्होंने जो है वो अपनी जिद नहीं छोड़ी। एक जिद होती है ना, जिद और पॉजिटिविटी, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना होता है, तब जाके आप जो है अपने टैलेंट में ग्रो होते हो, कोई भी हो टैलेंट। तो एक चीज हमें अटैक ऑन टाइटन से सीखने मिलता है। तो आज उनका ये ट्रेलर देखा मैंने, अभी देखिए अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2। एनिमेशन मापा ने किया है, मापा का एनिमेशन तो हमेशा से ही अच्छा रहा और आगे भी अच्छा रहेगा। और टाइटन्स के अलग अलग फॉर्म है, और जो फाइट सीक्वेंसेस है, जो पावर्स है, वो भी दिखाए गए। तो थोड़े सीन्स ऐसे है जो फ्लैशबैक में भी जाने वाले, तो फ्लैशबैक का भी होगा तो वो भी मजा आएगा। क्योंकि मैंने क्या किया था, पहला सीजन देख लिया था, उसके बाद मैंने रुका दिया क्योंकि मुझे पता था ये टुकड़ों में बंटने वाला है।
क्योंकि सीजन 2 में 12 एपिसोड, सीजन 3 में 24, मतलब एक्सेट्रा। तो जब ये फाइनल सीजन कंप्लीट होगा तो मैं पूरा एपिसोड देखने वाला हूँ, मतलब सीजन 1 से ही मैं शुरू करने वाला हूँ। सीजन 1 से ये शुरू हो जाएगा तो बहुत ही मजा आना, तो क्या एक सिंक हो जाता है। तो ये एपिसोड 76 से चालू होगा जनवरी 9th को। जी हाँ, जनवरी 9th जो है, ये डेट मार्क करके रखिएगा, ये बहुत ही मजा आने वाला है। और मतलब एरन का जो बैटल है, जो टाइटन फॉर्म आप देख सकते हो यार ट्रेलर में, मतलब जिस लेवल का ट्रेलर इन्होंने बनाया है, यू कांट इमेजिन, दुनिया में कोई भी एनिमेशन वाला नहीं कर सकता ये। क्योंकि 2D एनिमेशन में जापान का कोई भी जो है वो हाथ पकड़ नहीं सकता, मतलब ये बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया। और इम्पॉर्टेंट चीज, मतलब इसके अंदर देखा जाए तो हर एक कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले टाइमिंग ये बहुत अच्छे से दिया गया है, और ये जो है हमें देखने में बहुत मजा आएगा। अटैक ऑन टाइटन इज लाइक वर्ल्ड्स अपार्ट, मतलब आप बोल सकते हो कि कैरेक्टर को रिलेट कर सकते हो, जो जगह, फॉल, विलेज वगैरह सब दिखा। और कैनन, क्योंकि सीजन 4 पार्ट 1 आपने भी देखा होगा, उसमें भी एक्शन धमाकेदार था, मतलब गहराई थी और थोड़ा पॉलिटिक्स था, बातचीत थी उसके अंदर, मतलब इंटेंसिटी थी। और जापानीज वॉइस एक्टर्स और इंग्लिश डबिंग आर्टिस्ट ने भी बहुत ही अच्छा काम किया इसके अंदर, मतलब ऐसे एनिमीज की हमें जरूरत है इंडिया में हिंदी डब में, मतलब एक नए लेवल के एनिमी के लिए। आपको तो पता है नेटफ्लिक्स वगैरह ये अभी एनिमी को प्रमोट कर रहा है, बहुत सारे एनिमी उस पर भी आ रहे हैं। सो इट विल बी गुड कि अगर अटैक ऑन टाइटन जैसा एनिमी भी हमें हिंदी में देखने मिलेगा। जी हाँ, तो मैंने अभी उसका सोचा था रिसेंटली कि इंस्टाग्राम पे अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर्स के डब्ड वर्जन में डालूं अपने वॉइस में, मतलब हिंदी में, तो मैं वो करने वाला हूँ बहुत जल्द। शायद वो एरन का होगा या दूसरे कैरेक्टर का भी हो सकता है, या आर्मर्ड टाइटन का, मैं कोशिश करूंगा और एक वीडियो बनाकर मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा। तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करिएगा, वहां पे आपको हिंदी डब वर्जन जो है आपको मिल जाएंगे, तो आप मुझे देख सकते हो उसके अंदर, वो डब वर्जन में मेरी आवाज सुन सकते हो, तो आपको जरूर मजा आएगा। मतलब अटैक ऑन टाइटन मैं भी रुका हुआ यार, मतलब चौथा सीजन तो मानना पड़ेगा, मतलब ये बहुत सारे एपिसोड्स में इसको खींचेंगे, और इतना श्योर है कि इसके अंदर फिलर नहीं होगा, सबसे अच्छी बात, जैसे कि ब्लीच और नारुतो में होता है, वैसे अटैक ऑन टाइटन में ना ही हो तो बेहतर होगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने अटैक ऑन टाइटन पहले के सभी सीजन देखे हैं तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, और ऐसा कैरेक्टर जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मतलब आपको इरिटेट करता है, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो अगले वीडियो के साथ में भी मैं जल्दी आऊंगा रिटर्न। सो आज के लिए बस इतना ही। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।